हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस घर में आए हुए हमें मोर देन 2 वीक्स हो गए हैं और धीरे धीरे हम इस मकान को घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लिविंग रूम को सेट करने वाले हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इस वाले वॉल पे फायरप्लेस बनेगा और उसके बाद सारा डेकोर और सेटअप चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने कोई भी डेकोर पीस वॉल आर्ट इस रूम के लिए बाय नहीं किया है। जो ऑलरेडी हमारे पास फ्रेम्स थे, मैं उन्हीं को यूज़ करके इसका वॉल डेकोर करने वाली हूँ। और जो भी फर्नीचर कारपेट जहाँ से भी हमने लिया है वो सारा कुछ बताऊँगी एंड में, बट पहले इसको सेट कर लेते हैं। अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है, बट एम्प्टी था नहीं, मैंने इसको एम्प्टी अभी किया है क्योंकि ये एक ऐसा सेटअप है ना कि सारे वॉल्स खाली हैं, तो आप डिफरेंट वे से फर्नीचर को सेटअप कर सकते हैं। 1 वीक में मैंने काफ़ी सारे फर्नीचर के सेटअप चेंज किए हैं, बट फाइनली आज हम लिविंग रूम को सेट भी करेंगे और डेकोरेट भी करेंगे। ये वाला सोफा जो हमारे पुराने घर से आया है, यहीं पर रखा हुआ था आने के बाद, और मुझे ये परफेक्ट जगह लगी इसके लिए। जब भी किसी स्पेस को डेकोरेट करना होता है, मेरी छोटी सी एक प्लानिंग ज़रूर होती है। माइंड में ही एक पिक्चर क्रिएट करती हूँ मैं उस रूम का, फिर मैं इंस्पिरेशन पिक्चर सर्च करती हूँ पिंट्रेस्ट पे, इंस्टाग्राम रील पे, या फिर काफ़ी सारे डिफरेंट यूट्यूब के आप होम टूर वीडियोस देख सकते हो। जो भी आपका स्टाइल है, जो भी होम डेकोर आपको अच्छा लगता है, उस तरह के स्टाइल के आप वीडियोस सर्च कर सकते हो। एक बारी जब आपके पास इंस्पिरेशन पिक्चर क्लियर होती है, तो फिर जो भी चीज़ आपके पास है हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उसी से एक लुक क्रिएट कर सकें। और अगर कुछ नया है तो हम ट्राई कर सकते हैं कि जो भी हमारा इंस्पिरेशन है उससे मिलता जुलता कुछ मिल जाए, तो मैंने भी एग्जैक्टली वही किया था। फर्नीचर का सेटअप हो चुका है, अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। आपने देखा है कि हर एक लिविंग रूम में मेरा एक फेवरेट कॉर्नर ज़रूर होता है, तो वो वाला फेवरेट कॉर्नर हम कोशिश करेंगे इस कॉर्नर को बनाने की। वैसे भी हर एक रूम का, हर एक घर का एक फोकल पॉइंट जो होता है ना, वो ज़रूर होना चाहिए और होता ही है, जिसको हम हैप्पी स्पेस बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर। मिरर ऑलरेडी यहाँ पे लग चुका है, एक प्यारा सा चेयर है हमारे पास ब्लू कलर में, और अब हम प्लांट्स रखेंगे, कुछ फ्रेम्स लगाएंगे और एक परफेक्ट कॉर्नर बनाने की कोशिश करेंगे। ये वाले फ्रेम्स आपको याद होगा हमने लास्ट घर में लगाए थे, और बहुत ज्यादा ब्राइट कलर में है, तो इस कॉर्नर में काफी अच्छा लगेगा। सारी शॉपिंग एक तरफ, कर्टन की शॉपिंग एक तरफ, इतना मुश्किल होता है ना परफेक्ट कर्टन ढूंढना। जो मेरे पास ऑलरेडी था मैं तो वही लगा देती क्योंकि वो तो मेरा फेवरेट था, बट मेन फ्लोर हमारा हाई सीलिंग है तो 96 इंच का कर्टन ही अच्छा लगेगा, और जो मेरा पुराना वाला था वो छोटा है, इसलिए हमने उसको ऊपर लगा दिया। तो फाइनली एक कर्टन मिला है, यस माई फेवरेट येलो, और बड़ा ही प्यारा वाला येलो है, लेमन कलर है, और उसमें थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की हुई है। फाइनली ये मुझे मिला विनर से। और दो कॉर्नर्स में हम ये ग्रीन कलर का ब्लैकआउट कर्टन डालने वाले हैं। हमने ब्लाइंड्स नहीं डाला, सिर्फ कर्टन्स ही डालेंगे। एक तो व्यू इतना प्यारा है ना पीछे से, और धूप भी बहुत अच्छी आती है, और ब्लाइंड्स लगाने के बाद ना एक काम और बढ़ जाता है ब्लाइंड को क्लीन करने का, और कर्टन्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर ब्लाइंड्स भी लगेंगे तो भी मैं कर्टन लगाऊंगी, सो इट्स बेटर कि सिर्फ कर्टन्स ही लगाते हैं।
कर्टन्स को लेके मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ। थोड़े दिन इसको लगा के देखते हैं, फिर डिसाइड करूँगी कि यही कर्टन्स रखने या चेंज करने हैं। वैसे आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मेन डोर से एंटर करते हुए हॉलवे के थ्रू जब लिविंग रूम में आते हैं तो ये वाला वॉल दिखता है, तो इसको एक अच्छा सा स्पेस क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कैबिनेट रखा है। एक ऑप्शन है यहाँ पे मिरर भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे कुछ फ्रेम्स लगा रही हूँ। आपको याद होगा ये वाले पिक्चर्स जो कि मैंने कैनवास से प्रिंट लिए थे। ऑल डन, बस थोड़ी सी एक्सेसरीज ऐड करेंगे, कुशन्स, थ्रोज, बुक्स और हमारा लिविंग रूम डन हो जाएगा। फाइनली लिविंग रूम सेट हो गया है। अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि फर्नीचर्स कहाँ से लिए हैं हम। ये दोनों चेयर और सेंटर टेबल स्ट्रक्ट्यूब से है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अफोर्डेबल रेंज में मिला हमें। और ये ब्लू वाला चेयर है ब्रिक से। जो हमारा सोफ़ा है 2.5 ईयर्स पहले जब हमने ब्रिक से लिया था तो हमने एक्सटेंडेड वारंटी ली थी, और सोफ़ा में कुछ प्रॉब्लम्स थे, लाइक कुशनिंग की प्रॉब्लम्स थी। तो आने से पहले जब हमने उनको रीच किया तो वो लोग घर पे भी आए देखने के लिए, एंड दे अंडरस्टूड कि यस प्रॉब्लम है, बट उसको वो रिपेयर नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने हमें इन स्टोर क्रेडिट दिया और सेम अमाउंट से हमने ये चेयर परचेस किया। हमने प्रिंस जॉर्ज में ही परचेस कर लिया था क्योंकि वहीं से परचेस करना था, बट हमने डिलीवरी एडमिंटन की ली थी। सुपर कंफर्टेबल है, टेक्सचर बहुत अच्छा और काफी लाइट वेट है, तो किसी भी जगह मूव करने में काफ़ी इजी रहेगा। और वैसे भी इस लिविंग रूम का जो सेटअप है, बहुत इजीली हम फर्नीचर को चेंज कर सकते हैं उसका स्पेस। और थोड़ा सा फर्नीचर चेंज कर दो लिविंग रूम में या किसी भी स्पेस में, एक नया लुक आ जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो हमने स्पेस में की है वो है लाइट। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में ही दिखाया था हमने ये लाइट्स चेंज की थी। ये भी अमेजोन से है, मैं इसका भी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये वाला कैबिनेट है अमेजोन से, इसका लिंक है मेरे पास, मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेक कर सकते हो। इन सारे फर्नीचर के अलावा हमने कुछ भी नया परचेज नहीं किया है, जो भी हमारे पुराने घर में था वही यूज किया है। उस घर में ये सारे पिक्चर फ्रेम्स, मिरर्स डिफरेंट तरह के लगते थे, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं। मैंने मोस्टली वॉल्स एम्प्टी रखे हैं क्योंकि वैसे भी अभी फायरप्लेस बनेगा, तो अभी पता नहीं है कि किस वॉल के लिए क्या बेस्ट रहेगा। और हमने ये कोशिश की है कि फर्नीचर की सेटिंग ऐसे करें कि लिविंग रूम काफ़ी स्पेशियस लगे, काफ़ी वॉकेबल स्पेस है, कंजेस्टेड नहीं लग रहा है, और सिटिंग अरेंजमेंट्स भी काफ़ी हैं। बहुत सारे लोग एक साथ बैठ सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं, क्योंकि इस स्पेस में हम टीवी नहीं रखने वाले हैं। तो ये स्पेस परफेक्ट है चिट चैट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, इवनिंग में एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ये लिविंग रूम डेकोर एंजॉय किया होगा, पसंद किया होगा। मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।